अब आते हैं जी ये कैरेक्टर की तरफ जिसको हम सेंटा क्लॉज कहते हैं। ये सेंटा क्लॉज कहां से आया, आइए ये भी देख लेते हैं। सेंटा क्लॉज जो है बेसिकली अकॉर्डिंग टू मोस्ट हिस्टोरियंस इट इज अ स्पिन ऑफ ऑफ द नेम सेंट निकोलस, यानी सेंट निकोलस के नाम को स्पिन ऑफ करके वो सेंटा क्लॉज बन गया। सिंटरक्लास जर्मन में या ऑस्ट्रिया में जो ना कहा जाता था, तो सिंटरक्लास सेंट निकोलस को सिंटरक्लास से करते करते वो सेंटा क्लॉज बन गया। अच्छा, सेंट निकोलस जो है बाय द वे वैटिकन ने डिनाई किया कि सेंट निकोलस वाज एवर अ प्रीस्ट, मतलब कोई वो कहते हैं क्रिश्चियन हिस्ट्री में सेंट निकोलस के नाम से कोई प्रीस्ट नहीं था, दो दफा वैटिकन डिनाई कर चुका है। लेकिन बहरहाल जो मिथ में या लेजेंड में इसको माना जाता है, स्पेशली जर्मनी में या ऑस्ट्रिया में या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, दे से कि ही वाज अ सेंट हु वाज अ गिफ्ट गिविंग प्रीस्ट, ही वाज अ सेंट हु वाज अ गिफ्ट गिविंग प्रीस्ट। बट द प्रॉब्लम हियर इज द फॉलोइंग, ऑल्दो दे पेंट सेंट निकोलस एज अ वेरी होली मैन, एज अ वेरी गिफ्ट गिविंग एंड वार्म एंड लवेबल कैरेक्टर, सेंट निकोलस ऑलवेज कम्स विद अ सेकेंडरी कैरेक्टर, एंड लेट मी शो यू दैट कैरेक्टर। वो कैरेक्टर कौन है जो हमेशा सेंट निकोलस के साथ होता है? वो कैरेक्टर जो है उसका नाम है जी क्रैम्पस। हु इज क्रैम्पस? लेट्स हैव अ लुक। ये आप पिक्चर देख रहे हैं जिसमें सेंट निकोलस जो है उसके साथ एक ये शैतान नुमा चीज खड़ी हुई है जिसकी लंबी सी जुबान है और उसके हाथ में एक झाड़ी है जिसको बेसिकली स्विच कहते हैं, इट्स अ ब्रांच जिससे लोगों को मारा पीटा जाता है, और ये एक तरह से चेन के सामना सेंट निकोलस के साथ आता है, जहां वो जा रहे हैं यहां ये जा रहे हैं। तो दिस इज क्रैम्पस। अब ये क्रैम्पस जो है इसके बारे में ये बिलीव किया जाता था कि अगर तो बच्चे जो हैं वो अच्छे थे तो सेंट निकोलस उनको गिफ्ट देंगे, और अगर बच्चे जो हैं वो मिसबिहेव करते रहे तो साल के एंड में क्रैम्पस आके उनको मारेगा और उनको पीटेगा। और ये देखिए आपको एक इमेजरी नजर आ रही है कि क्रैम्पस जो है बेसिकली जो आधा इंसान है आधा शैतान है आधा बकरी की तरह बना हुआ है, ये बेसिकली इट्स अ डिपिक्शन ऑफ द डेविल। अगर आपने शैतान की वो जो सैटैनिक जो लोग डेविल वर्शिपिंग करते हैं उनकी अगर आपने वो इमेजरी देखी हो, द सैटन और द लूसिफर दे वर्शिप, बेसिकली लुक्स लाइक दिस, लाइक अ हाफ मैन हाफ गोट टाइप ऑफ कैरेक्टर। सो ये क्रैम्पस जो है ये मैं आपको बताऊं आज भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में, आज भी जर्मनी ऑस्ट्रिया वगैरह में जब क्रिसमस सेलिब्रेशंस होती हैं तो आपको सेंटा क्लॉज के साथ साथ यानी सेंट निकोलस के साथ साथ ये क्रैम्पस भी नजर आएगा। और ये बेसिकली अमेरिका में तो ये पॉपुलराइज होकर वो एल्व्स की शक्ल इख्तियार कर गया, लेकिन बहरहाल बाकी कंट्रीज में अभी तक क्रैम्पस का जिक्र और तज़किरा जो है वो फुल जोरों शोर से चल रहा है। सो ये जो कैरेक्टर्स हैं दो, सेंट निकोलस एंड क्रैम्पस, इन दोनों को मर्ज करके एक कैरेक्टर सामने आया जिसको हम सेंटा क्लॉज कहते हैं। सेंट निकोलस और क्रैम्पस को जब आप मर्ज करते हैं तो फिर सेंटा क्लॉज बनता है, और उसके लिए वो एक फेमस राइम भी है कि वो ही नोज व्हाट यू बीन अप टू, ही नोज इफ यू आर बैड और गुड, सो बी गुड फॉर गुडनेस सेक। वो इस तरह का कोई एक राइम बनाया हुआ उन्होंने कि सेंटा क्लॉज जो है वो जानता है, यानी कि सेंटा क्लॉज नाउज बिल्ला सुमन नाउज बिल्ला वो कोई कोई खुदा की तरह की चीज उन्होंने बनाई हुई है कि जैसे वो सब कुछ जानता है, उसको सब पता है कि तुम अच्छे थे या बुरे थे, और वो आके जो है ना तुम्हें गिफ्ट देगा और तुम्हारी चिमनी के थ्रू घुसाएगा और सारा कुछ होगा। सो ये कैरेक्टर जो है बेसिकली जो क्रैम्पस और सेंट निकोलस को मर्ज करके सेंटा क्लॉज का कैरेक्टर जो है वो सामने आया, जिसका ताल्लुक क्रिश्चियन वर्ल्ड से बाय द वे नहीं है, इसका ताल्लुक जो है वो टोटली पेगन ट्रेडिशन से है। जैसा कि मैंने आपके सामने जिक्र किया कि यूल से शुरू हुआ, फेस्टिवल ऑफ यूल से ओडिन के ऊपर बात पहुंची, फिर उसमें बीच में तड़का थोड़ा सा उनका जो गॉड सैटर्न था उसका भी लग गया और मिथ्रा का भी, और ये सारी चीजें मर्ज करके हमारे सामने इस शक्ल में आज पहुंच चुकी हैं कि सेंटा क्लॉज इज द कैरेक्टर दैट कम्स डाउन। सो सम सेड कि इट इज इन फैक्ट सेटन नॉट सेंटा, कि सेटन के वर्ड्स को चेंज करके सेंटा बनाया गया, एज द कैरेक्टर इज मोर फेमस देन ईसा अलैहि सलाम ऑन क्रिसमस। कि क्रिसमस में आज कितने लोग हैं जो ईसा अलैहि सलाम को याद करते हैं, और क्रिसमस के दिन कितने लोग ऐसे हैं जो सेंटा क्लॉज को याद करते हैं या सेंट निकोलस और क्रैम्पस के मर्जर को याद करते हैं। गली गली मोहल्ले मोहल्ले वो सेंटा क्लॉज की टोपियां बांटी जाती हैं। और ये आज की जो टॉक मैं आपसे कर रहा हूं इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह यह भी है कि मैं खुद ऑब्जर्व कर रहा था कि हमारे पाकिस्तान में बाजारों में मार्केट्स में दुकानों में बेकरियों में होटल्स में रेस्टोरेंट्स में क्रिसमस ट्री ला के रख दिए, लाइटें लगा दी, सेंटा क्लॉज की तरह कोई बाबा वहां बिठा दिया वहां पे, और आपको पता ही नहीं आप क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप देखें कि यू आर लाइंग टू योर किड्स, ये जो जब ये सेंटा क्लॉज की पूरी कहानी सुनाई जाती है तो यू आर लाइंग टू योर किड्स एंड टेलिंग देम कि आपको हर क्रिसमस में वो जो हमने क्रिसमस ट्री ला के रखा हुआ है जो कि
वो नॉर्थ पीपल की तरफ से आ रहा है, वो जो फर ट्री ला के रखते हैं। बिकॉज आप खुद सोचो कि ईसा अलैहि सलाम का क्या ताल्लुक है फर ट्री के साथ, कभी सोचा आपने? ईसा अलैहि सलाम जेरूसलम में रहते हैं, वहां पे तो पाम ट्रीज होते हैं, पाम ट्रीज होते हैं। आपने ये फर ट्री जो है जो कि नॉर्दर्न साइड में पाया जाता है, आपको पता है हम पाकिस्तान में भी जब नॉर्दर्न साइड में ट्रैवल करते हैं फर ट्रीज तो वहां मिलते हैं, जो एवरग्रीन ट्रीज होते हैं, इनका क्या ताल्लुक वास्ता है ईसा अलैहि सलाम के साथ जो आप घर में क्रिसमस ट्री लेके आते हो? सो ये बच्चों के साथ झूठ बोला जाता है। पहले तो क्रिसमस ट्री लेके आते हैं जो कि एक टाइप ऑफ तावीज है, एक टाइप ऑफ एमुलेट है, और फिर बच्चों से कहा जाता है कि जितने भी प्रेजेंट्स आए हैं वो तुम्हारे अब्बा जान नहीं बल्कि 300 पाउंड का बंदा जो है वो चिमनी के थ्रू आया था और वो छोड़ के चला गया, और कपड़े भी गंदे नहीं हुए उसके। और बच्चा जो है सारी उम्र ये बिलीव करता है कि सेंटा क्लॉज आता है, और फिर ये होता है कि जब बच्चा 10-12 साल की उम्र में आता है तो पेरेंट्स उसको बताते हैं कि एक्चुअली सेंटा क्लॉज इज नॉट रियल। और जब बच्चे को ये पता चलता है कि मेरे साथ 10-12 साल झूठ बोला गया है, तो सोचिए उसका क्या ट्रस्ट रहेगा अपने पेरेंट्स के ऊपर। अक्सर बच्चे एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजर जाते हैं कि व्हाई हैव यू बीन लाइंग टू मी ऑल दीस इयर्स, कि यू टोल्ड मी कि सांता क्लॉज हर साल आता है, नाउ यू टेल मी दैट सांता क्लॉज वाज ऑल अ मिथ, इट वाज ऑल अ जोक, एंड सो वो डिस्ट्रस्ट पैदा होता है। एंड आप देखें कि इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला ने कितनी दफा कुरान मजीद में भी और हदीस मुबारका में भी झूठ को मना फरमाया, बच्चों से या बड़ों से झूठ बोलना। या अय्युहल लजीना आमनु तक्कुल्लाह व कूलु कौलन सदीदा, अज़ार फरमाते हैं ए ईमान वालों अल्लाह का तकवा अख्तियार करो और हमेशा सीधी बात किया करो, स्ट्रेट फॉरवर्ड बात किया करो, हक सच बात किया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया कि जब उनसे पूछा गया कि क्या कोई मुसलमान जो है वो डरपोक हो सकता है, आपने फरमाया कि मतलब आइडियल तो नहीं है लेकिन हो सकता है। क्या मुसलमान कंजूस हो सकता है? अगेन आइडियल तो नहीं है कि मुसलमान कंजूस हो, लेकिन बहरहाल हो सकता है कि मुसलमान भी हो और कंजूस हो। फिर पूछे क्या मुसलमान झूठा हो सकता है? आपने फरमाया नहीं, मुसलमान झूठा नहीं हो सकता, जो खुद दीन हक पे है वो झूठा कैसे होगा। और फिर वो हदीस हमारे सामने आती है जहां पे एक सहाबिया थी, उन्होंने ऐसे हाथ बंद किया हुआ था और अपने बच्चे को अपने पास बुला रही थी कि इधर आओ मेरे पास, मैं तुम्हें कुछ चीज देती हूँ। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि तुम्हारे हाथ में कुछ है? तो आपने फरमाया कि जी है, मेरे हाथ में खजूर है। तो आपने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये अच्छी बात है, क्योंकि अगर तुम्हारे हाथ में खजूर ना होता तो तुम झूठों में लिखी जाती। बच्चों से इतना झूठ बोलना भी जायज नहीं है। अक्सर औकात बच्चे होते हैं ना कि यानी बच्चा घूम फिर रहा है तो माँ बाप कहते हैं इधर आओ मैं तुम्हें एक चीज देता हूँ, बड़ी स्पेशल चीज है, हालांकि होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ उनकी इंटेंशन ये होती है कि बच्चा मेरे पास आए, मैं उसको लाड प्यार करूं, लेकिन वो उसे झूठ बोलते हैं। तो ये भी मना किया गया कि बच्चों से इस तरह झूठ नहीं बोलना, बिकॉज बच्चों का ट्रस्ट फिर आपसे उठ जाता है कि ये हर दफा ना मेरे साथ फ्रॉड करते हैं। तो इसलिए हमारा दीन तो बिल्कुल सिखाता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब आप अगर देखें कि क्रिसमस की आज सूरत हाल क्या है, तो क्रिसमस अब एक रिलीजियस फेस्टिवल से ज्यादा एक कमर्शियल फेस्टिवल बन चुका है, जहां पे इट्स ऑल अबाउट बाइंग थिंग्स, इट्स ऑल अबाउट कंज्यूमरिज्म, इट्स ऑल अबाउट मटीरियलिज्म, चीजें खरीदो चीजें खरीदो। आपको पता है कि लोग अमेरिका में और यूरोप में 6-6 महीने डेट में चले जाते हैं क्रिसमस शॉपिंग के बाद, यानी अपनी जिंदगी की जमा पूंजी जो है वो क्रिसमस के लिए लगा देते हैं, बाइंग लाइट्स एंड डेकोरेशन एंड थिंग्स लाइक दैट, फजूल एक्सट्रावेगेंस वेस्ट ऑफ थिंग्स। वो क्रिसमस ट्री लेके आएंगे, उसको काटेंगे, उसके ऊपर ऑर्नामेंट्स लगाएंगे, फलां करेंगे, ये करेंगे, लाइटें लगाएंगे, घरों में चिरागा होगा, यानी 6 महीने डेट में चले जाते हैं और उससे बाहर नहीं निकल सकते। एंड दिस इज कंप्लीटली ऑपोजिट टू द वे ऑफ ईसा अलैहि सलाम। ईसा अलैहि सलाम का जो वे था उसे बिल्कुल ऑपोजिट तरीका ही है। $500 ट्रिलियन सिर्फ US में खर्च होते हैं हर साल क्रिसमस सेलिब्रेशंस के ऊपर, $500 ट्रिलियन, दैट्स लाइक $500 बिलियन एवरी ईयर, सिर्फ US की बात कर रहा हूं, अभी मैं यूरोप की बात नहीं कर रहा, ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं कर रहा, सिर्फ US के अंदर $500 ट्रिलियन खर्च होता है। एंड टू टॉप इट ऑफ 30-35 मिलियन ट्रीज आर कट डाउन ऑन क्रिसमस जस्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स, यानी 35 मिलियन दरख्त आपने काट दिया सिर्फ एक दिन की सेलिब्रेशन के लिए। और आपको पता है एक ट्री को ग्रो करने में 15 साल लगते हैं, एक क्रिसमस ट्री जिसको आप कहते हैं फर ट्री, उसको 15 साल लगते हैं ग्रो करने में।